तो माँ वैष्णो देवी यात्रा की ढेर सारी यादों के साथ में हमारे इस कटरा को अलविदा कहने का समय आ चुका है। तो आज के अपने नए ब्लॉग में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो गाइज ये माँ वैष्णो देवी सीरीज़ का लास्ट ब्लॉग है हमारा, और इसके बाद नए नए ब्लॉग आपके लिए लाते रहेंगे, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये नया ब्लॉग। इन पहाड़ों की सुंदरता देखिए आप, इन्हें छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। जो अब तक माता रानी के दर्शन करने नहीं आए हैं उन सबसे कहना है एक बार ज़रूर आए प्लीज़। हाय गाइस, ये वैष्णो देवी में जरा देखिए ऊपर पहाड़। ये सारी रात पहाड़ों पर बारिश हुई है जिसकी वजह से मौसम का ये हाल है। आज मैं निकलना था, सोचा कि आपको ये मौसम का हाल दिखा दूं। ये देखिए ऊपर अर्धकुंवारी दिखता था, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये स्टॉप पर यहाँ दिखता था अर्धकुंवारी, जो कुछ भी धुंध के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ कह रहे हैं कि स्नो फॉलिंग हो सकती है, कुछ कह रहे हैं कि ये ओनली फॉग है। ये व्यू बहुत प्यारा था पहाड़ों का, तो इसलिए आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा यहाँ निकलने से पहले। हमारा भी यहाँ आखिरी दिन है, आज एक दिन और बस, उसके बाद हम फिर घर पहुँच जाएंगे। और जब भी माँ बुलाएंगी फिर से हम आएंगे यहाँ, और ज़रूर आएंगे। तो एक बार सभी प्यार से बोले मेरे साथ, जय माता दी। ये हमारी चाय आ चुकी है, चाय और पराठे। ये सब लेके बैठे हुए हैं, देखिए दो दो आलू के पराठे। हाँ माँ बुला रही हैं आपको, आ जाओ। जय श्री राधे। और ट्रेन का खाना हम पैक करा के ले जाएंगे, जो ट्रेन में हम रात को खा सकें। तो सारे मेम्बर रेडी हो चुके हैं, तो ये बैग पैक है और अपने रास्ते के लिए निकलेंगे दिल्ली के लिए। बोल मुस्कान, राधे राधे बोल, राधे राधे, हाय गाइस बोल। हाय गाइस, हाँ तो अब निकलेंगे भैया और बाकी के पराठे तैयार करने के लिए आ गए। और ये देखिए सामान हमने बाहर निकाल दिया, हम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यस, हम निकलेंगे बाहर क्योंकि हमारे 2:05 की ट्रेन है, तो हमें रेलवे स्टेशन पे जाना है। एक बच्चों का, ये सारे रेडी हो चुके हैं। ये मैं भी, अब आपको स्टेशन पे मिलेंगे। हम निकलते हैं यहाँ से क्योंकि हर निकलने का टाइम अब काफी हो चुका है। काफ़ी अच्छा होटल था, बहुत अच्छे लोग थे। हमने 2 दिन का रूम किया था क्योंकि हमें घूमने जाना था, घूमने हम जा नहीं पाए, तो यहीं हमने सारा दिन रेस्ट किया था क्योंकि ऊपर हम इतना थक चुके थे लाइन में लग लग के। अब चलो निकलते हैं यहाँ से। यहाँ ये होटल में लोग काफ़ी अच्छे थे, खाना काफ़ी टेस्टी यहाँ का, और सब कुछ बढ़िया था। हमें तो अपने मुताबिक बहुत अच्छा लगा। ये नज़दीक है जहाँ से माता की चढ़ाई चालू होती है, उसके नज़दीक हैं ये होटल, बिल्कुल यहीं। खाना भी अपनी तरफ से देते हैं, चाय भी बढ़िया बना के देते हैं, काफ़ी टेस्टी है। यहाँ ट्राई करना एक बार ज़रूर। अब ट्रेन में बैठेंगे, यहाँ से अपना सफ़र ख़त्म होने वाला, बस एक दिन और दूर, इसके बाद फिर यादें रह जाएंगी, छोटी छोटी चीज़ें यादें आएंगी। ये देखने माता कब बुलाएं। ये देखिए हमारी पैकिंग सारी, यहाँ का मार्केट देखिए, काफी ठंडी हवा चल रही है। हमारी गाड़ी आ चुकी है जिससे सामान भैया लगा रहे हैं, और यहाँ से स्टेशन के लिए हम निकल रहे हैं, काफी लेट हो चुके हैं। ये भैया की गाड़ी देरी से आई इसलिए हम लेट हो गए, इसकी वजह से हमारा ये हाल है।
नानू जल्दी आ जा। टाइम 2 बजने वाले हैं। गाइस ट्रेन में हम आ चुके हैं, फाइनली ट्रेन मिल चुकी है। भागवा की जैसे पकड़नी थी उसे पकड़ लिया, तो अभी यहाँ तक तो हमारा सफर खत्म होता है। आगे घर पे जाके वीडियो को फिनिश करेंगे। सुबह के 4 बजने वाले हैं, स्टेशन आने वाला है दिल्ली, सब लोग उतरने वाले हैं। वो थोड़ी देर में उतर के इस ब्लॉग का एंड करेंगे। सभी उतरने की तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि अपना पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन आने वाला है। अब उतर के नीचे अपना ऑटो करेंगे, ऑटो से घर उतरेंगे। हमारा स्टेशन आने वाला है तो ये सभी लोग उतरने की तैयारी में। सामान अपना समेट रहे हैं, हमारा भी सामान इकट्ठा रखा हुआ है। ये देखिए हमारा स्टेशन आ चुका, अब उतरने वाले हम लोग। ट्रेन का सफ़र यहीं तक था और यहाँ से ऑटो करके अपने घर पहुँचेंगे। जब हम घर पे उतर चुके हैं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, और नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।